गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। मैं हूं अभी चाइना के ग्वांगझो शहर में और अभी आ चुका हूं वापस चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया घूमने के बाद। फिलहाल इस वीडियो में टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, मैं बताने वाला हूं कि मैंने चाइनीज कैसे सीखी और मैंने चाइनीज कितने टाइम में सीखी। दोस्तों मेरी जो चाइनीज है वो लगभग 6 महीने में सीखी गई है और मैंने कैसे सीखा वो भी बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले यहाँ के आसपास के वातावरण से। जैसे यहाँ पे रेड लाइट थी तो इसको चाइनीज भाषा में बोलते हैं होंगल्यू तंग, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं इसको बोलते हैं सू, तो इस तरीके से। और जब डबल सू सू कर दोगे तो वो हो जाएगा चाचा जी, मतलब अपनी नॉर्मल देसी स्टाइल में आपको बता रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें। सामने की तरफ एक गार्डन आ चुका है, उस गार्डन को बोलते हैं कोंगियन, और यहाँ पे बहुत सारी साइकिलें लगी है इनको बोलते हैं जसिंच। ये इधर भाई साहब बैठे हैं, बड़े भाई है तो उनको बोलते हैं गग्गा, सामने जो आ रही है इनको बोलते हैं, अगर वो छोटी बहन है तो उसको बोलेंगे मैं, बड़ी बहन है तो उसको बोलेंगे चेचे। तो शुरुआत ऐसे होती है दोस्तों, पहले मेरे पास एक ट्रांसलेटर थी तो उसकी वजह से मेरे पास प्रेशर आता ही नहीं था, मैं अपने आप से काम करता रहता था और वो मेरे को ट्रांसलेट करके देती थी इंग्लिश टू चाइनीज़ और चाइनीज़ टू इंग्लिश। फिर जब ट्रांसलेटर की शादी हो गई तो भाई मेरे ऊपर आ गया प्रेशर और मेरे को हर जगह अपना ट्रांसलेशन का काम खुद ही करना पड़ता था। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर मैंने फोकस किया और जब मज़ा आने लगा। और चाइना के अंदर एक चीज़ बहुत प्यारी वो है कि चाइनीज़ लोग काफ़ी आपको कोऑपरेट करते हैं। अब नीचे की तरफ मेट्रो स्टेशन है उसको बोलते हैं ती थी है चान। अब देखो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये भाई माहौल है यहाँ ग्वांगझो का। अभी कैंटन फेयर है तो उसके लिए भी अगले वीडियो में आपको लेके चलूँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा कि कैंटन फेयर जो है वो कैसे होता है, उसके अंदर कैसे जाएँ, कैसे पार्टिसिपेशन करें, चाइनीज कैसे आपको कोऑपरेट करते हैं। अगर आप छोटा सा भी चाइनीज़ बोलते हो ना तो वो आपको बोलेंगे अरे वाह बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया बोलते हो। तो ऐसे करने से जो कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है ना अंदर ही अंदर, तो उसकी वजह से मन करता है कि हाँ भाई यार मैं और चाइनीज़ बोलूँ। इससे पहले मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया था लेकिन उसके अंदर ना आपको डीमोटिवेट ज़्यादा करते लोग, इस वजह से मैंने फिर उसका गिव अप कर दिया था। फ्रेंच लैंग्वेज मैंने सीखा नहीं और उसका कोई एग्ज़ाम भी मैंने नहीं दिया, चाइनीज़ का भी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैंने इस तरीके से चाइनीज़ सीखा। फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करने में बिलीव करता हूँ, मेरे को चुप बैठना पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं चाइनीज़ लोगों से भले ही मेरी गंदी चाइनीज़ हो फिर भी मैं टूटी फूटी चाइनीज़ में भी उनसे बात करता था। तो इस वजह से मेरी कंटिन्यूसली लोगों से बातचीत करने से मेरी चाइनीज़ बढ़िया हो गई। उसी के साथ में मेरे को यहाँ की जो लोकल चाइनीज़ लैंग्वेज होती है ना, जैसे अपने पंजाबी होती है, राजस्थानी, गुजराती, मराठी ऐसे होती है, तो वैसे ही यहाँ लोकल होती है उसको बोलते हैं इनकी लोकल पंती लैंग्वेज, तो वो पंती हुआ बोलते हैं चाइनीज़ भाषा में, तो वो भी मेरे को आने लग गई क्योंकि वहाँ के डोकरा डोकरी जितने भी थे उनसे बातें होने लगी। देखो ये जिम इक्विपमेंट है इसलिए इनको यहाँ पे बोलते हैं चियन सनफंग। सामने की तरफ फुटपाथ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स खड़ी है, इनको बोलते हैं तेंतोंग छ। ऊपर की तरफ कैमरा लगा है, इसको बोलते हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों को बोलते हैं चिकहोंग या चिनखोंग, कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे ये लाची थो बोलते हैं कचरा पात्र को। बड़ा दरवाज़ा है तो इसको बोलते हैं मंग, और अगर अंदर जाने वाला है बाहर जाने वाला है तो एक तो होता है रूखो एक होता है छूखो। आपके लिए मैं स्पेशली धीरे धीरे चाइनीज़ सीखने के एक लेसन लेके आऊँगा, इतने आसानी से इतने मजाक में आपको चाइनीज़ सिखा दूँगा। जो स्ट्रगल मैंने किया मैं सोचता हूँ वो स्ट्रगल आपको न करना पड़े और जल्दी से जल्दी आप चाइनीज़ भाषा भी सीख जाएँ। इससे क्या होता है कम्युनिकेशन में मज़ा आता है, किसी देश का कल्चर आपको जानना होता है ना तो आप बहुत ही प्यारे और बहुत ही ईजी तरीके से जान पाते हो। अगर आपको चाइनीज़ सीखनी तो कैसे सीखो, उसके लिए भाई सबसे सीधा तरीका है दोस्तों डेली का कुछ ना कुछ नया सीखो, तो उसको सीखने से आपको कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ समझ में आने लगेगा। फिर मैं क्या करता था, मैं चाइनीज़ कार्टून मूवीज़ देखता था, चाइनीज़ मूवीज़ देखता था जो बिल्कुल चाइनीज़ में होती थी, तो इस वजह से भी धीरे धीरे करके मेरी चाइनीज़ बढ़िया होती गई। अब वो मीनिंग है कहाँ मिलेगी, सिस्टमेटिक कैसे होता है, तो जैसे आईलेट्स का एग्ज़ाम होता ना वैसे चाइनीज़ का एक एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों HSK। आप उसकी जो वोकेबलरी है उसको याद करना शुरू कर दो, जैसे जैसे आप याद करोगे उतने में आपका धीरे धीरे करके सारा काम सेट हो जाएगा और आप बढ़िया तरीके से उसकी मीनिंगें याद कर लोगे। और जब आपके पास वर्ड पावर होता है ना तो आप ऑटोमेटिकली चाइनीज सीख जाओगे। भाई इंग्लिश में भी तो वही है, वर्ड पावर आपके पास है तो भले ही उसके बाद में आपको कोई सेंटेंस सामने वाला बोलता वो तो कम से कम समझ में आ ही जाएगा। हम अगर कॉन्फिडेंस कम हो, बोल नहीं पा रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाला का समझ में आना सबसे पहले ज़रूरी है। ये माहौल है यहाँ ग्वांगझो की सड़कों का, ये लाल पीली जो टैक्सियाँ दिखाई पड़ रही है, टैक्सी को यहाँ पे बोलते हैं छू छू।
और ये बाकी गाड़ियाँ ना प्राइवेट कार है इसको बोलते हैं। छः ये भाई साहब छी जस इंसर कर रहे हैं, छी यानी उतर जो बाइसिकल को चलाना। यहाँ की सड़कों पे इतने सारे पेड़ पौधे, बाहर अगर आप देखो तो लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, लेकिन यहाँ देखो कितना मजे से लोग चल रहे हैं। मेरे को भी गर्मी तो ऐसा सो रहा है चलने पे, लेकिन फिर भी काफ़ी रिलीफ भी लग रहा है। मेरे को चाइनीज़ सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेरे को पहले ज़रूरत नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ, एक ऑफिस में कांड हो गया। हुआ ऐसे कि मैं ऑफिस में था और एक बच्चा था, बहुत बदमाशी कर रहा था। मैंने उसको डांट लगा दी, मैंने कहा यार तू परेशान ना कर, चुपचाप बैठना, मेरे को काम करने दे। उतने में क्या हुआ, वो घर पे गया, घर पे जाके बोलता अपने पापा जी को कि पापा जी इसने ना अपनी मम्मी जी को ना झप्पी पा ली थी, और उसके पिताजी आ गए मेरे घर पे लड़ाई करने को। तो वो थोड़ी देर तो बातें की, फिर बोले तूने ऐसा किया? मैंने कहा यार नहीं किया, तू जा कैमरे में देख ले भाई, वहाँ ऑफिस में तो कैमरे लगे होते हैं। तो बोले ठीक है यार तेरी बात भी सही है। फिर उसने मेरे सामने उस बच्चे को पूछा कि हाँ भाई तू क्या बोला था, ये तो ऐसे बोल रहा है। फिर वो बोला नहीं मैंने तो तेरे से झूठ बोला था। फिर उसकी दे धड़ाधम वहाँ कुटाई हुई। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे को समझ में आया कि लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। और एक मेरे दोस्त भी, उन्होंने भी कहा था भाई चाइना में अच्छे से सर्वाइव करना तो चाइनीज सीख लो। अब देखो ये ऐसा ऐसा माहौल है इधर का, काफ़ी अच्छा लगता है ना ऐसे, देखो कितना डेवलप शहर है फिर भी पेड़ पौधों की कमी नहीं है। कि इसको ने वीरान नहीं बनाया, एकदम ग्रीन बनाया। सड़कों के बीच में भी देखो कितनी ग्रीनरी दिखाई पड़ रही है। और अभी यहाँ हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो, और उस एक्सपो में आई है पूरी दुनिया से लोग। और यहाँ पे लगभग बहुत सारे, यार लगभग भी क्या बताऊँ, मेरे को तो आज तो काउंटिंग भी नहीं पता, मैं क्योंकि मैंने उसको रीड भी नहीं किया उसकी वेबसाइट पे कि कितने लोगों ने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। बहुत सारी कंपनियाँ आई है। अगले वीडियो में मैं वहाँ जाके आपको दिखाऊँगा कि अगर चाइना से आपको सीधा फैक्ट्री से माल खरीदना हो ना, मीडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इस एक्सपो में आओ। आने का क्या तरीका है, वीज़ा से इंडिया से लेके यहाँ तक का सारा सिस्टम मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद दो वीडियो लेके आऊँगा उस एक्सपो से रिलेटेड, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक और एक सभी को ऑल इन वन में करके। वैसे चाइना के लोग काले ना हो जाए इस डर से यहाँ पे छतरी लेके भी चलते हैं, और इस छतरी को चाइनीज भाषा में बोलते हैं यूशान। ये देखो इतनी स्किल होती है, छतरी भी ले लेंगे, फ़ोन भी चला लेंगे और साइकिल भी चला लेंगे। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सीखने में मेरे को चाइनीज़ लोगों ने कोऑपरेट किया, उसी वजह से मैं यहाँ रह करके चाइनीज़ सीखा मैंने। और वो भी पिछले, यूँ सोचो कि जब से मैंने यूट्यूब पे एक्टिवली वीडियो बनाना शुरू किया उसी टाइम से मैंने चाइनीज़ सीखने पे भी फोकस किया। उससे पहले तो मैं बस ऐसे ही हवा में तीर मारता था, उसके बाद थोड़ा सा सीरियस होकर के मैंने लोगों की बातों को सुनना समझना शुरू किया, तो ऐसे में हो गया भाई। दोस्तों आप भी इतना इजीली है सीख सकते हो। देखो ये जो बुज़ुर्ग लोग जा रहे हैं ना, इनको चाइनीज़ भाषा में बोलते हैं लाउरन, ठीक है। और जो लड़के लड़कियां होती हैं नए जो जवान, उनको बोलते हैं नियनशिंगरन। पीछे मुड़ के दिखाता हूँ, देखो कितना बेहतरीन व्यवस्था दी है। फुटपाथ हालांकि उधर भी है, वो उसने अपना प्राइवेटली वहाँ पे दिया है डिज़ाइन लोगों के लिए चलने को। ये गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फुटपाथ दिया है। उसके बाद उधर आपको टू व्हीलर चलाने की अलग से जगह दी है, उधर आपको गाड़ी चलाने की अलग से जगह दी है। मतलब कुल मिलाकर के बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ इन्होंने जनता के लिए चीज़ें दे रखी है। मैं अभी सिंगापुर गया था और वहाँ लोग कहते हैं सिंगापुर इतना एडवांस है, ये है वो है। सिंगापुर चाइना के एक शहर के इक्वल भी डेवलप नहीं है, यूँ सोचो। यहाँ आप अगर ग्वांगजो से उसको कंपैरिजन करोगे, जितनी पॉपुलेशन यहाँ रहती है और जिस तरीके का यहाँ पे माहौल है उसको अगर कंपेयर करोगे उससे, तो भाई साहब कुछ नहीं लगता सिंगापुर। अगर आपने सिंगापुर का विजिट किया और आप सोचते हो वो बहुत ऊंची चीज़ है, तो मैं कहूँगा आप चाइना हो और यहाँ का भी विजिट करो। कई लोग सोचते हैं कि हम यार चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी की स्टडी करें तो कैसे करें, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी की स्टडी करने के लिए आपको यहाँ मास्टर प्रोग्राम या बैचलर्स प्रोग्राम या पीएचडी प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और उसी के अंदर आप चाइनीज़ सीख सकते हो। चाइनीज़ का कोर्स भी होता है 6 महीने का, 1 साल का, और उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। जो काउंसलर हैं जो चाइना के अंदर एडमिशन कराते हैं उनके साथ, बस आने वाले कुछ एक दो वीडियो के अंदर अब सीरीज़ से चाइना की सीरीज़ वापस आएगी, तो आपको बहुत सारे वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलेंगे, तो उन सभी को भी प्यार दीजिएगा। तो ये जानकारी मुझे लगता है काफ़ी होगी। इधर देखो ये खाने पीने की दुकान आ गई, तो खाने पीने को मैस बोलते हैं, जैसे इंडियन खाना पीना तो उसको बोलते हैं इंदू मैस, और ये चाइनीज़ खाना पीना है। और उसके अलावा यहाँ पे अंडे हैं, अंडे को चीतान बोलते हैं, जो मक्का होता है उसको ईमी बोलते हैं। तो इस तरीके से सारा सीन चलता है भाई। दोस्तों बहुत सारे ऐप तो मैं कितना आपको बताऊँ, ये आ गया यहाँ पे
तो इसको बोलते हैं बस स्टेशन। तो इस तरीके से भाई मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा, तो भाई फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चाइना से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आती रहेगी आपके लिए। मिलते हैं भाई दोस्तों, अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा मत करना, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।